साथियों, डबल इंजन सरकार बनने से पहले तक सिर्फ दो बार त्रिपुरा की नॉर्थ ईस्ट की चर्चा होती थी। एक जब चुनाव होते थे तब चर्चा होती थी और दूसरा जब हिंसा की घटना होती थी तब चर्चा होती थी। अब वक्त बदल चुका है, आज त्रिपुरा की चर्चा स्वच्छता के लिए हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए हो रही है, गरीबों को लाखों घर मिल रहे हैं इसकी चर्चा हो रही है, त्रिपुरा के कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपए दे रही है और यहां की सरकार उसे तेजी से जमीन पर उतार करके साकार कर रही है। आज देखिए, त्रिपुरा में नेशनल हाईवे का कितना विस्तार हो चुका है, पिछले पांच वर्षों में कितने नए गांव सड़कों से जुड़े हैं। आज त्रिपुरा के हर गांव को सड़कों से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। आज भी जिन सड़कों का शिलान्यास हुआ है उससे त्रिपुरा का सड़क नेटवर्क और सशक्त होने वाला है। अगरतला बाईपास से राजधानी में ट्रैफिक की व्यवस्था और बेहतर होगी, जीवन आसान होगा। साथियों, अब तो त्रिपुरा के जरिए नॉर्थ ईस्ट इंटरनेशनल ट्रेड का भी एक गेटवे बन रहा है। अगरतला अखौरा रेलवे लाइन से व्यापार का नया रास्ता खुलेगा। इसी तरह भारत थाईलैंड म्यांमार हाईवे जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नॉर्थ ईस्ट दूसरे देशों के साथ संबंधों का द्वार भी बन रहा है। अगरतला में महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट पर भी इंटरनेशनल टर्मिनल बनने से देश विदेश के लिए कनेक्टिविटी आसान हुई है। इससे त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट के लिए महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित हो रहा है। त्रिपुरा में इंटरनेट पहुंचाने के लिए जो परिश्रम हमने किया है उसका लाभ आज लोगों को मिल रहा है, विशेषकर मेरे नौजवानों को मिल रहा है। डबल इंजन सरकार बनने के बाद त्रिपुरा की अनेक पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा है।